नमस्कार साथियों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नायक विद्रोह का वीडियो आपके सामने लाऊंगा, तो आज उसी कड़ी का एक पहला वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऐसी आक्रांताओं के साथ नायक वीरों ने भी संघर्ष किया था, उनके साथ युद्ध किया था, लेकिन इतिहास में उनका कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो सही इतिहास है उसको भी छिपा दिया गया। आज दोस्तों एक ऐसा तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। मोहम्मद गजनवी था, उसको बलवीर सिंह नायक ने मारा था, लेकिन इतिहास में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। और इस वीडियो को मैं आपसे चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो सही इतिहास है, सही जानकारियां हैं, वो अपने लोगों तक पहुंचे, उनको गर्व महसूस हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1200 ईस्वी सन में भारत पर मुसलमानी साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भारत के नायक दल में ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि नायक दल को भली भांति से याद था कि किस तरह विदेशी आक्रांताओं ने भारत में नरसंहार किया था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, साबुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में बहुत उत्पात मचाया था। 1200 ईस्वी सन में इस्लामी मत के झंडे को देखकर नायक वीर फिर से एकत्रित हुए, जो 2 लाख के लगभग नायक वीर थे, जो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़कर अमन और शांति स्थापित करना चाहते थे। इसी ध्येय को लेकर नायक वीर ने उनके विरोध विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली के आसपास के पूरे भारत में नायक विद्रोह आरंभ हो गया। अपनी अपनी टुकड़ियों को लेकर हर एक स्थान पर विदेशी इस्लामिक इन आक्रमणकारियों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया गया। इस विद्रोह को उग्र होता देखकर दिल्ली के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनवी को संदेश पहुंचाया। विद्रोह का संदेश पहुंचते ही तुरंत मोहम्मद बिन भारत आया। वह राजनीति का पूरा ज्ञाता था और रणक्षेत्र का बहुत बड़ा भारी चतुर खिलाड़ी योद्धा था। इसने एक बहुत बड़ा धोखे का जाल बनाकर तैयार किया ताकि नायक लोग उसमें आसानी से फंस सके, किंतु अगले रोज उन नायक मुखियों को दिल्ली शाही दरबार में बुलाया गया। उस शाही हुक्म के मिलन पर उस नायक दल के मुख्य जसवंत राय, भानु प्रताप, इंदर सेन, रोकल राम, हरिलाल जिमल और फतेह सिंह थे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग तो मरना और मारना जानते हैं, पीछे हटना और झुकना नहीं जानते। इस बात पर मोहम्मद ने उनको चक्कर में फंसा लिया, बहुतों को मुसलमान बना दिया। बलवीर सिंह नायक अपनी टुकड़ी यानी जत्था को लेकर जलम नदी के किनारे पर गया हुआ था। उस टाइम उसको ये पता नहीं था कि पीछे से नायक लोग इस्लाम के अनुयायी बन गए हैं। वह अपने पिछले ही विश्वास पर उस नदी के किनारे डटा हुआ था। मोहम्मद बिन उस नायक विद्रोह को शांत करके वापस लौटा आया। 1205 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के नायक संघर्ष को शांत किया, परंतु आगे झेलम नदी के किनारे पर बलवीर सिंह नायक की सेना पड़ी हुई थी, जिसकी नज़र जब मोहम्मद पर पड़ी तो बड़ा भारी घमसान युद्ध हुआ। अंत में बलवीर सिंह नायक के करकमलों द्वारा मोहम्मद की मृत्यु झेलम नदी के दम्याग के स्थान पर हुई। अगर दोस्तों ये लेख आप पढ़ना चाहते हैं तो विश्वनाथ जी की BAPT के गोल्डन इतिहास भारतवर्ष के पेज नंबर 101 पर पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतनी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि हमें ऐसे ही वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।